नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं सारा इंडिया परिवार के सिलसिले में। सारा इंडिया परिवार जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा जो सारा इंडिया परिवार में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारा इंडिया में करोड़ों लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट है। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए इन निवेशकों निवेश की राशि लौटाने से जुड़ा मामला विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं में भी उठ चुका है। इस 10 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र बजट सेशन में विधायक नवीन जायसवाल ने नॉन बैंकिंग कंपनियों में झारखंड के लोगों का करीब 2500 करोड़ फंसे होने की बात उठाई थी। जी हाँ, 2022 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये बात को उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि करीब 3 लाख लोग अपने पैसे को लेकर परेशान हैं, लिहाजा सरकार को चाहिए कि वह हेल्पलाइन नंबर जारी करे। सारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर के जरिए ये पता चल सकेगा कि कंपनियों में किसका कितना पैसा फंसा है। इनमें सहारा कंपनी भी शामिल थी। नवीन जायसवाल ने सहारा में काम करने वाले 60,000 लोगों का भी मुद्दा उठाया था। कहा था कि इनके सारा इंडिया परिवार में इनकी जो कंडीशन है वो उस पर भी बात की थी। राज्य में वित्त मंत्री रामेश्वर उमराव ने भी माना कि सहारा में गांव देहात के लोगों का पैसा फंसा बड़ी मात्रा में है, और जो लोग इसमें पैसे फंसे हैं उनकी वापसी के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।